भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष भीम प्रसाद गोंड की अध्यक्षता में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22/7/2024 के जिला समीक्षा बैठक में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश का अनुपालन करने के संबंध में वार्तालाप की गई। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शिवचंद गोंड, नंदलाल गोंड, मनोज गोंड, देवेश गोंड सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। मामला है हमारे गोंड समाज का एक जात प्रमाण पत्र का एक जटिल समस्या है, जो पिछले बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2-3 दिन पहले आजमगढ़ दौरे पर आए थे, जिन्होंने जिलाधिकारी महोदय को आदेश भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज के लोगों को हीला हवाली किया जा रहा है, जात प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। डीएम साहब से हम लोग मिलने गए थे, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। एडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है, इस लेटर को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों का हित हो सके। जात प्रमाण बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, लोग नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं, बेरोजगार हैं। जात प्रमाण न होने से तमाम शैक्षणिक और नौकरी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हाँ, अधिकारी टाल मटोल करते हैं कि ये आदेश लाइए, वो आदेश लाइए, इनका दीजिए, उनका दीजिए, यही सब चलता है। पिछले बहुत दिनों से लंबित पड़ा है, केवल टाल मटोल में इतना दिन बीत गया, इसका कोई प्लस नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।